19 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार होटल सिग्नेचर ग्रैंड की छत पर चढ़े युवक को उतार लिया गया। इस बीच युवक लगातार टिकटॉक पर वीडियो बनाता रहा और खुदकुशी की धमकी देता रहा। रोड पे धक्के खा रहे हम, रोड पे ये साथ है हमारे, पुलिस वालों ने बहुत मदद की। दरअसल अरमान मलिक नाम के इस युवक पर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसे वो वापस लेने की मांग कर रहा था। आखिरकार पुलिस कर्मियों के काफी समझाने बुझाने के बाद उसे नीचे उतारा गया। युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए होटल के सामने बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम जमा हो गया था। बताया जा रहा है कि अरमान की दो शादियां हो चुकी हैं। पहली बीवी पायल और उसके परिवार के साथ विवाद चल रहा है और इसी विवाद से तंग आकर रविवार दोपहर युवक सातवीं मंजिल पर चढ़ गया और छलांग लगाने की धमकी देने लगा। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस साथ दे और बस ये रेत के जो मेरे ऊपर है ये हटवा दे, क्योंकि बहुत तंग हो गया हूं मैं, परेशान हो गया हूं जिंदगी से। और देख रहे हो इतने लोग नीचे खड़े हैं, कोई मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहा, बस परेशान हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अरमान मलिक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अरमान मलिक टिकटॉक का सुपरस्टार है और उसके 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।